तुम सच्चे बनो कर्मयोगी, निष्काम करो कर्तव्य सदा, निज ज्ञाना नल में भव्य करो होतव्य और भवितव्य सदा। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे नेता की बात कर रहा हूं जिसने सबसे पहले झूठे सपने दिखाए, फिर बड़े बड़े वादे किए, फिर जालसाजी से सत्ता हथिया लिया और उसके बाद उसने सभी संस्थाओं में अपने चमचों की नियुक्ति की और फिर उन चमचों से 24/7 यानी 24 घंटे सातों दिन उसने बस षड्यंत्र रचवाता रहा। इसके बाद उसने इतिहास को तोड़ना शुरू किया, फिर उसने झूठ परोसना चालू किया, उसके बाद झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलता गया, वादे पे वादे करता गया और इन सबको करने में उसने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए और ये पैसे उस देश में खर्च किए जाते हैं जहां पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं, नौजवान सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी के कारण इधर उधर भटक रहे हैं। ये उस देश में किया जाता है। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऐसे नेता को आप क्या कहेंगे, क्या कोई ऐसा नेता इस तरीके से महान बन सकता है। दोस्तों, मुझे उन भक्तों से भी कुछ कहना है जो मोदी जी पर बहुत ज्यादा यकीन करते, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, उनसे बस मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए दे दे, जैसे ही मोदी जी 15,00,000 रुपए मेरे अकाउंट में भेजते हैं मैं उनको सूद समेत वो पैसे वापस कर दूंगा। दोस्तों, याद रहे, काम नहीं कारनामे बोलते।